ऑल राइट गाइस, तो हमारा सेशन कंटिन्यू होगा एज यूजुअल। लेट्स डिस्कस एज प्लान्ड, राइट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे किस चीज को? हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है, इट विल कैरी 4 MCQs। एवरी एग्जाम देर इज 4 MCQs। एंड आज ये लेक्चर के दौरान मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, देर आर सो मेनी प्लेसेस जहां पे ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता है। भैया कहाँ भूल गए हो ये टॉपिक को? इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर साल 3-4 MCQ आता है। नीट पीजी में ले लो, तुम्हारा FMG में ले लो, हर साल 3 से 4 MCQ आता है। एंड मेनी प्लेसेस दे वोंट इवन मेंशन दिस टॉपिक एग्जिस्ट। एंड स्टूडेंट को तो बेचारे पता ही नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तुम कहाँ से पढ़ोगे, राइट? सो दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओनली वैस्कुलर सर्जरी। कौन है? वैस्कुलर सर्जरी, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को वैस्कुलर सिस्टम के लिए अलग से एक लेक्चर बनाया। द सोल रीजन इज दैट कि आप लोग बहुत लोग क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था कि बहुत लोग मिस कर रहे थे यार ये टॉपिक को। हर बंदा ये टॉपिक को मिस करता है। टॉपिक को मिस करने की वजह से उन लोगों का नुकसान हो रहा था। 150 आने वाला बंदा 147 में अटकता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। मेरा जो भी स्टूडेंट होगा दे शुड बी एबल टू पास। तो उन लोगों के लिए वैस्कुलर सर्जरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट स्टार्ट विद इट, ठीक है ना। वैस्कुलर सर्जरी पढ़नी है तो भैया दो चीजों के बारे में पढ़ना होगा, एक आर्टरी के बारे में, एक वेन्स के बारे में। सो लेट्स स्टडी विद द आर्टेरियल सिस्टम। कौन है? आर्टेरियल सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्जिकल डिसऑर्डर जो आर्टरी रिलेटेड होता है, लेट्स स्टडी दोस थिंग्स, राइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टेरियल डिसऑर्डर, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज अक्लूजन ऑफ द आर्टरी। कौन है? अक्लूजन ऑफ द आर्टरी। कौन है? अक्लूजन ऑफ द आर्टरी। अक्लूजन मतलब क्या हो गया? ऐसा एक कोई ब्लड वेसल है, आर्टरी है, मान के चलो ये आर्टरी काम पे जा रहा था, पैर में जा रहा था, इट वॉज सप्लाइंग वेयर लेग। अब क्या हो गया? इसके अंदर कुछ ना कुछ फंस गया। फंस गया मतलब क्या है? देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन। बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा? दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द आर्टेरियल अक्लूजन। वेन वी आर स्टडिंग अबाउट आर्टेरियल अक्लूजन, माई डियर स्टूडेंट, आर्टेरियल अक्लूजन कैन बी डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अक्यूट। कौन होता है? अक्यूट। अक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन। अक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन के बारे में वेन एवर वी नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट कॉमन कॉज, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आर्टेरियल अक्लूजन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन इज सिस्टेमिक। व्हाट इज दैट? सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलस। कौन होता है? सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलस। सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलस का मतलब होता है, मतलब सो द एम्बोलस का सोर्स होता है इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यूजुअली ये थ्रोम्बो एम्बोलस का सोर्स कौन होता है? मोस्ट कॉमन सोर्स इज योर हार्ट। हार्ट से क्या होता है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक थ्रोम्बो एम्बोली आ जाता है। तो आप लोगों को थ्रोम्बस का नाम मतलब भी पता नहीं है, एम्बोलस के मतलब भी पता नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एम्बोलस इज नथिंग बट एनी फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर कोई फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलते हो? एम्बोलस। उसको क्या बोलते हो? एम्बोलस। अगर वो ही एम्बोलस इफ इट इज मेड आउट ऑफ ब्लड क्लॉट, इफ इट इज मेड आउट ऑफ व्हाट? ब्लड क्लॉट, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज थ्रोम्बो एम्बोलस। द क्लॉट से बना हुआ एम्बोलस को थ्रोम्बो एम्बोलस बोलते हो। द सोर्स, सोर्स इज यूजुअली फ्रॉम वेयर? हार्ट से शुरू होता है। सो हार्ट से शुरू होता है, हार्ट कंडीशन सच एज लेफ्ट एट्रियल डायलेशन, लेफ्ट एट्रियल डायलेशन, हार्ट कंडीशन सच एज मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन। सो मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। कौन है? एट्रियल फिब्रिलेशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। MS हो, MR हो, ये दोनों के वजह से क्या होता है? लेफ्ट एट्रे डायलेट होता है। लेफ्ट एट्रे जैसा डायलेट होता है उसके वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। अमॉन्ग दिस एनी ऑफ द कंडीशन आर प्रेजेंट द पेशेंट इज एट ए हाई रिस्क ऑफ सिस्टेमिक एम्बोलस। क्या हो जाएगा? हार्ट के अंदर मान के चलो लेफ्ट एट्रे ऐसा डायलेट हो गया, एट्रे क्या हो गया? ऐसा डायलेट हो गया, यहाँ पे क्लॉट बन के रह जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? क्लॉट बन के रहेगा। लेफ्ट एट्रिया से डिटैच होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होके इट कैन कॉज व्हाट एंड ऑल प्रॉब्लम्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी। इट कैन लीड टू अक्लूजन ऑफ क्लोजर ऑफ
सेरेब्रो वास्कुलर सर्कुलेशन, सेरेब्रो वास्कुलर सर्कुलेशन, सेरेब्रो वास्कुलर सर्कुलेशन लीडिंग टू सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट्स, क्या बोलते हो, सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट विच इज नथिंग बट स्ट्रोक, विच इज नथिंग बट स्ट्रोक. तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, सेरेब्रो वास्कुलर क्लोजर ऑफ सेरेब्रो वास्कुलर सर्कुलेशन विल लीड टू वॉट इज दैट, सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट. तो जिसके वजह से ब्रेन स्ट्रोक होगा, तो ब्लड सप्लाई कट हो जाएगा, जिसके वजह से देर विल बी इस्केमिक स्ट्रोक, जिसके वजह से देयर विल बी इस्केमिक स्ट्रोक. इस्केमिक स्ट्रोक कैन बी कॉज्ड बाय व्हाट, यस, अक्यूट थ्रोम्बोएम्बोली, राइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजर ऑफ व्हाट एल्स, डक्सा, इट कैन आल्सो क्लोज मिसेंट्रिक वेसल्स. मिसेंट्रिक वेसल कौन है, मिसेंट्रिक वेसल, मिसेंट्रिक वेसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ योर इंटेस्टाइन. तो मिसेंट्रिक वेसल क्लोज होने की वजह से इट कैन लीड टू मिसेंट्रिक इस्चेमिया, मिसेंट्रिक इस्चेमिया, इट कैन लीड टू मिसेंट्रिक इस्चेमिया, मिसेंट्रिक इस्चेमिया, ठीक है, इस्चेमिया. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. और क्या होता है, इट कैन ऑल्सो गो, चलो आयोटा से गया, आयोटा से अगर हेड एंड नेक उस तरफ जा सकता है तो स्ट्रोक आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो लोअर लिम के तरफ पड़ा, सो लोअर लिम के तरफ जाते हुए बीच में कौन आता है, अपडामिन आता है, अपडामिन में मिसेंट्रिक इस्चेमिया पॉसिबल. और भी नीचे चला गया तो कहाँ पे हो सकता है, लिम्ब का सर्कुलेशन, मतलब क्या हो जाता है, क्लोजर ऑफ लोअर लिंब वेसल, लोअर लिंब वेसल्स बंद हो जाएगा, तो इट विल लीड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जिकल कंडीशन कॉल्ड एज अक्यूट लिंब इस्चेमिया. क्या बोलते हो, अक्यूट लिंब इस्चेमिया. सो एमसीए एग्जाम के लिए अक्यूट लिंब इस्चेमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. माई डियर स्टूडेंट्स, अक्यूट लिंब इस्चेमिया में क्या हो गया, पैथोजेनेसिस तो आपको समझ में आ गया. तो अक्यूट लिंब इस्चेमिया का पेशेंट का क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, क्लिनिकल फीचर, रिमेंबर एक टेक्निक बताता हूं आप लोगों को, व्हाट इज द टेक्निक. एनी पर्सन, एनी पेशेंट, एनी ऑर्गन, इफ देर इज ए इस्टेमिया आर कट डाउन ऑफ द ब्लड सप्लाई, ऑलवेज फर्स्ट सिम्टम विल बी पेशेंट विल हैव ए पेन. जो भी लिम्ब के अंदर मान के चलो ऐसा आयोटा आ रहा था, आयोटा डिवाइडेड इंटू इलियाकाट्री डिवाइडेड इंटू एक्सटर्नल आइलियाकाट्री एंड इंटरनल आइलियाकाट्री, एक्सटर्नल आइलियाकाट्री कंटिन्यू हो फीमरल आर्टरी. मान के चलते ये जाके कहाँ पे क्लोज हो गया, फीमरल आर्टरी को बंद कर दे. फीमरल आर्टरी को बंद करेगा तो उससे नीचे ब्लड सप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, उसके नीचे ब्लड सप्लाई नहीं होगा. सो ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, लिम्ब क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, लिम्ब विल बिकम कोल्ड, दिल बी कोल्ड लिम्ब, ठीक है, कोल्ड लिम्ब हो जाएगा. कोल्ड लिम्ब के अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ब्लड सप्लाई कट हो जाएगा तो पल्स होगा कि पल्स लेस होगा, द पेशेंट विल हैव पल्सलेसनेस, ठीक है, पल्सलेसनेस एंड कोल्ड लिम्ब, एंड ऑल्सो पेशेंट विल हैव पेन, एंड ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो पेलनेस, ऑल ऑफ दिस आर क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद अक्यूट लिम्ब इस्चेमिया. तो आप लोगों को रटवाने के लिए क्या कर देते हैं, इसी को बोलते हो पॉइकिलोथर्मिया. पॉइकिलोथर्मिया इज नथिंग बट कोल्ड लिम्ब, ठीक है, सो दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एग्जाम के अंदर पॉइकिलोथर्मिया नहीं देगा, कोल्ड लिम्ब देगा, तो बी वेरी केयरफुल. पल्सलेसनेस, पेलनेस, कोल्ड लिम्ब, इट इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ अक्यूट लिम्ब इस्चेमिया. अगर कोई पेशेंट को अक्यूट विषय में आया तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. माई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या देखना चाहते हो आप लोग, देखना चाहते हो क्या, ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो देखने के लिए द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी कलर डॉप्लर. क्या है, डॉपलर स्कैन. कौन होता है, डॉपलर स्कैन. ओके, डॉपलर करके आप कंफर्म कर दिए तो डॉपलर इज व्हाट, डॉपलर इज बेसिकली इट इज ए अल्ट्रासोनोग्राफी बट विच इज अप्लाइड फॉर द ब्लड वेसल्स आर एनी वैस्कुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड फ्लो को देखना चाहते हो. सो एनी वेयर इफ यू वॉन्ट टू, इफ यू आर डूइंग ए डॉपलर, बेसिकली डॉपलर के अंदर मान के चलो यह अल्ट्रासाउंड का डॉपलर का प्रोब है, उसके नीचे एक कोई भी ब्लड वेसल है, कोई भी ऐसा ब्लड वेसल है, ठीक है. आपको डॉपलर में दो ही कलर दिखेंगे, एक दिखेगा क्या है, लाल कलर में दिखेगा, एक लाल कलर में दिखेगा, दूसरा दिखेगा तुम्हें ब्लू कलर में. व्हाट इज रेड, व्हाट इज ब्लू, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. इसके अंदर ब्लू और रेड, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, दैट इज नॉट द स्टोरी हियर. रादर स्टोरी इज दैट एनी ब्लड कमिंग टुवर्ड्स द प्रोब इज रेड कलर, एनी ब्लड गोइंग अवे फ्रॉम द प्रोब इज ब्लू कलर. Away from the probe is blue color and this will be red color. That is the rule when we need to study about a Doppler. So the Doppler is telling you what? Doppler is telling you about the
ब्लड फ्लो. सो डॉपलर करके आप लोगों ने क्या कर दिया, डायग्नोस कर लिया. सो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट विल बी वाटर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इफ द पेशेंट कम्स टू यू विद इन फर्स्ट सिक्स आवर्स के अंदर, मतलब पेन शुरू होने से डायग्नोस होने तक का 6 घंटे के अंदर अंदर ही है, तो क्या करोगे? आर इफ इट इज ए स्मॉल एम्बोलस इन बोथ ऑफ दीज कंडीशन विद इन 6 hours आर स्मॉल थ्रोम्बो एम्बोलस, यू कैन डू वन टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोलाइसिस. वॉट इज दैट? थ्रोम्बोलाइसिस. थ्रोम्बोलाइसिस इज अ टेक्निक विच इज वाइडली यूज विद इन 6 hours ऑफ एनी थ्रोम्बो एम्बोलिस. कोई भी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का 6 घंटे के अंदर डायग्नोस कर दिया, एंड इफ इट इज अ स्मॉल थ्रोम्बस यू कैन यूज व्हाट इज द थ्रोम्बोलाइसिस. थ्रोम्बोलाइसिस के अंदर यू आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज टीपीए. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट टीपीए? व्हाट इज दिस टीपीए? टीपीए इज नथिंग बट टिश्यू Plasminogen activator. These are the widely used drugs these days available. TPA drugs, tissue plasminogen activator. Tissue plasminogen को activate करने से क्या होता है, हम लोगों को pharma भी पढ़ना ही पड़ेगा, तो खत्म कर देते हैं यहाँ पे. Listen to me very carefully. Now listen to me. We have the clot. The clot is made out of what? Outer layer is made out of fibrin. अंदर भरा हुआ है platelet. Simple rule है कि नहीं? Now listen to me. Outer layer is made out of what? Fibrin. What is that? Fibrin. ठीक है. Now fibrin को break down करने के लिए हमारा body के अंदर एक enzyme आता है. What is that? That is only called as plasminogen. Plasminogen will get converted into plasmin. What is that? Plasmin. Tissue plasmin. ये क्या कन्वर्ट होता है? टिश्यू प्लास्मिन विल कम फ्रॉम वेयर? प्लास्मिनोजन. व्हाट इज दैट? प्लास्मिनोजन. प्लास्मिनोजन मतलब क्या होता है? इट इज अ जन. जन मतलब इनएक्टिव फॉर्म. ये इनएक्टिव फॉर्म को एग्जैक्टली तुम्हारा टीपीए ड्रग्स क्या कर देता है? ये प्लास्मिनोजन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से फाइब्रिन ब्रेक हो जाएगा. फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स है. ये फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के अंदर वन ऑफ द क्लासिक फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इज डी डाइमर. माय डियर स्टूडेंट, कौन है? डी डाइमर. ठीक है, आप लोगों को डी डाइमर रट के जाओगे तो फंस जाओगे. डी डाइमर इज ए प्रोडक्ट ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस. फाइब्रिनोलाइसिस होने के वजह से एक प्रोडक्ट आता है डी डाइमर. ये शरीर के अंदर कहीं पे भी इफ देयर इज ए हाई टेंडेंसी ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, there will be your body is trying to break the clot leading to elevated level of D-dimer. In all the condition where there is a hypercoagulability, D-dimer level will be elevated. That is why D-dimer is done in any of the hypercoagulable states. For example, even venous disorder such as deep vein thrombosis, my dear students, usme bhi kaam aata hai. Because of what is that? Because of it is a product of fibrin degradation. ठीक है, ये हो गए एक तरीके का treatment. Let's study about the other treatment. Other treatment, this is the treatment number one. Treatment number two will be surgical treatment. Surgical treatment क्या होता है? Thrombolectomy. कौन होता है? थ्रोम्बोलेक्टोमी. व्हाट इज दैट? थ्रोम्बोलेक्टोमी. थ्रोम्बोलेक्टोमी मतलब क्या करोगे? थ्रोम्बस को निकालोगे. थ्रोम्बस को निकालने के लिए एक वाइडली यूज्ड कैथेटर, एक कैथेटर यूज करते हो. द नेम ऑफ द कैथेटर इज कॉल्ड एज फोगैट्री कैथेटर. व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर? फोगैट्री कैथेटर. So this Fogatri catheter is a widely used catheter in a vascular surgery. ठीक है, अगर for example thrombolectomy कर सकते हो, अगर for example पूरा limb, if अगर lower limb क्या हो गया, lower limb underwent for example gangrene or necrosis हो गया. यार necrosis हो गया तो cell का death हो गई तो वापिस तो आप नहीं ला सकते हो. अगर आप thrombolysis नहीं कर पाए, अगर thrombolectomy कर नहीं पाए, patient late आ गया, तब तक limb पूरा काला पड़ गया, if there is a necrosis, necrosis will lead to gangrene. So remember, any vascular obstruction, एक simple rule है, कोई भी vascular obstruction से जो gangrene बनता है, it will be always a dry gangrene. Dry gangrene हो गया तो patient को क्या करोगे? सीधा करोगे amputation.
एम्प्यूटेशन, क्या करोगे एम्प्यूटेशन, तो देर इज नो यूज ऑफ कीपिंग दैट लिम्ब एंड एनीवेज इट इज नेक्रोटाइज्ड, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा एम्प्यूटेशन। तो एम्प्यूटेशन डायरेक्टली करोगे क्या, नहीं भैया, एम्प्यूटेशन करने के लिए गैंग्रीन होना चाहिए, गैंग्रीन एंड नेक्रोटाइज्ड होना चाहिए। थ्रोम्बोलेक्टोमी कब करोगे, इफ देर इज अ टिश्यू इज वायबल विद ए फोगेट्री कैथेटर एंड इफ देर इज फर्स्ट 6 hours एंड स्मॉल क्लॉट, देन यू आर गोइंग टू डू व्हाट इज दैट, दैट विल बी योर थ्रोम्बोलाइसिस। व्हाट इज दैट थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बोलाइसिस के लिए क्या यूज करोगे टीपीए, टीपीए ड्रग्स के बारे में, टीपीए ड्रग्स के बारे में याद कर लो, टीपीए ड्रग्स, द ड्रग्स इंक्लूड अल्टेप्लेस, व्हाट इज दैट अल्टेप्लेस, अल्टेप्लेस के अलावा वी हैव रेटेप्लेस, अल्टेप्लेस एंड रेटेप्लेस, अल्टेप्लेस एंड रेटेप्लेस, वी हैव वन मोर ड्रग दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस lightly, slightly has a property of tissue plasminogen activator, but also other things also, other properties also present for the drug, and it is a drug which is derived from the streptococcus bacteria, it has a high tendency for allergy, तो आज के time पे streptokinase urokinase से ज़्यादा widely आप लोग consider कर सकते हो reteplase and alteplase, my dear students, ये हो गया तुम्हारा acute limb ischemia, acute limb ischemia, sir ये तो ठीक है, अगर क्रोनिक हो गया तो क्या कहानी, लेट्स स्टडी अबाउट ए क्रोनिक, क्रोनिक लिंब इस्चेमिया, क्रोनिक लिंब इस्चेमिया, ठीक है, क्रोनिक लिंब इस्चेमिया में क्या होता, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्रॉनिक लिंब इस्चेमिया इज वेरी सिंपल, इसके अंदर क्या होता क्या है, सो बेसिकली पेशेंट इज हैविंग ए ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल, बट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल हो रहा है तो क्या होता है इनके अंदर, सुन लीजिए, मान के चलो ये काट रही है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया था, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ऐसा ब्लड वेसल का लुमेन नैरो हो गया था, इसके अंदर क्या हो गया था, ब्लड वेसल का लुमेन नैरो हो गया था, फिर भी क्या था, ब्लड सप्लाई तो हो ही रहा था, ब्लड सप्लाई तो हो ही रहता, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, इसके अंदर नॉर्मली अट रेस्ट यूजुअली वेसल ब्लड फ्लो इज प्रेजेंट, यूजुअली ब्लड फ्लो इज प्रेजेंट बट इट इज यूजुअली सेकेंडरी टू द वास्कुलर डिसीजेस, ऑब्स्ट्रक्शन किसके लिए होता है, ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी टू द वास्कुलर डिसऑर्डर, वास्कुलर डिसीजेस, ब्लड वेसल का कोई डिसीज के वजह से क्या हो सकता है, मेरे डियर स्टूडेंट, क्रोनिक लिंब इस्चेमिया होता है, तो क्रोनिक लिंब इस्चेमिया के अंदर व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर विल बी व्हाट इज दैट, दैट इज ओनली कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, व्हाट इज दैट, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, व्हाट इज दैट, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, ये इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इज नथिंग बट, नाउ लिसन टू मी, आपको इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन करके कहीं पे भी नहीं लिखवाएगा, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन 10 बार रखने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट ये एक बार समझ लीजिए व्हाट इज इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, देन इट विल बी इजियर फॉर यू पीपल, नाउ लिसन टू मी, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होता क्या है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इज नथिंग बट ऑन वॉकिंग patient develop pain in the limb, तो मतलब क्या होगा, अभी पेशेंट क्या करेगा, वॉक करेगा, एट वन पर्टिकुलर डिस्टेंस पेशेंट को क्या होने लगता है, पेशेंट को दर्द होने लगता है, व्हाई दैट इज बिकॉज ऑफ वॉकिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली देर इज ए इंक्रीज ऑफ O2 डिमांड, डिमांड तो बढ़ गया एंड बिकॉज ऑफ वॉकिंग करते हुए O2 डिमांड बढ़ गया एंड बिकॉज ऑफ वास्कुलर डिसीज इसके अंदर देर इज ए डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई, तो बेसिकली ब्लड सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच होने के वजह से ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू इस्चेमिया फॉलोड बाई पेन, तो पेन आएगा, पेन आते ही पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करने के बाद पेन डिसअपियर हो जाएगा, फिर से वॉक करना पड़ेगा, इट इज साउंडिंग मोर लाइक एंजाइना, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल इज दैट इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इज ए कंडीशन, पेशेंट डेवलप्स पेन ऑन वॉकिंग इन द लिंब, इसके अंदर क्यों होता है, O2 डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, इससे मैं क्रिएट करता है, दैट लीड टू पेन के बाद क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट के बाद पेन कम हो जाएगा, पेशेंट माइट फर्दर वॉक,
ठीक है, अगेन अगेन, इसके अंदर व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर भी यू कैन यूज डॉपलर वेरी इजीली. डॉपलर इट कैन बी यूज्ड. डॉपलर के अलावा वी कैन आल्सो यूज वन मोर इम्पॉर्टेंट वैस्कुलर टेक्निक, ब्लड प्रेशर टेक्निक, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ABPI. व्हाट इज दैट ABPI? ABPI, ओके. सो व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? ABPI इज नथिंग बट एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स. व्हाट इज दैट? प्रेशर इंडेक्स, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स. इसके ऊपर इधर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इधर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा. 100% गारंटी, 100% MCQ. सो प्लीज डू नॉट मिस दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो लिसन टू मी. ABPI का क्या कहानी बताए. ABPI इज इक्वल टू ABPI, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर at the ankle divided by maximum systolic pressure at brachial artery. मतलब इसके अंदर क्या करना चाहिए आपको? आप लोअर लिम का भी बीपी लोगे एंड अपर लिम का भी बीपी लोगे, दोनों का सिस्टोलिक वैल्यू को एक के नीचे एक लगा के डिवाइड करके देखोगे, एक रेशियो मिलेगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ABPI. तो आप लोगों को इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा, सर नॉर्मल वैल्यू क्या है? द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ABPI, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ABPI यूजली वेरीज फ्रॉम 1 to 1.2 विल बी द नॉर्मल एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स थिंक अबाउट दिस. फॉर एग्जाम्पल इफ पेशेंट इज हैविंग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, या नहीं तो पेशेंट एज फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मेलिटस. इन दीज केसेस वॉट हैपन्स? ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे. ब्लड वेसल हार्ड होगा तो ऑटोमेटिकली देर इज ए इंक्रीज ऑफ पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सिस्टोलिक प्रेशर एट द एंकल क्या होगा? एंकल इंक्रीज हो जाएगा. सिस्टोलिक प्रेशर एट द एंकल विल बी इंक्रीज्ड. तो इसके अंदर इन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड डायबिटीज मेलिटस ABPI विल बी मोर देन 1.2 विल बी मोर देन 1.2 दैट विल बी द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का कंडीशन. तो ये हो गया तुम्हारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ लिए तो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज हैविंग लेस देन 0.9 देन यू नीड टू थिंक अबाउट इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. अगर ABPI लेस देन 0.3 हो गया देन यू नीड टू थिंक अबाउट अक्यूट लिम्ब इस्चेमिया. अगर लेस देन 0.1 हो गया दैट मीन्स इट इज ए गैंग्रीन हो गया. जिसके अंदर क्या हो गया? गैंग्रीन हो गया, जिसका एक ही ट्रीटमेंट होता है एम्पुटेट द लिम्ब. क्या होता है? एम्पुटेशन. ये हो गया तुम्हारा वास्कुलर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द आर्टरीज एंड द ब्लड सप्लाई रिलेटेड. सो इसके अलावा आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कॉल्ड एज AV फिस्टुला. व्हाट इज दैट? AV फिस्टुला. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट AV फिस्टुला के अंदर क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. इट कैन बी, पहले पढ़ लेते कॉजेस. इट कैन बी कंजेनिटल. ठीक है, कंजेनिटल. ओके, कंजेनिटल के अलावा आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन हो सकता है और मे बी इट इज ड्यू टू आयट्रोजेनिक. मतलब हम लोगों ने बनाया कोई फिस्टूला, मतलब बींग ए मेडिकल एरर या पर्पसफुली हम लोगों ने बनाए थे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. और इट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक, इट कैन बी एसोसिएटेड विथ पोस्ट ट्रॉमा, आफ्टर द ट्रॉमा. ऑल दीज थिंग्स कैन लीड टू AV फिस्टूला. AV फिस्टूला के अंदर क्या होता है? देर इज ए अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन हु एंड हु? वेरी गुड, आर्टरी एंड वेन. बिटवीन द
आर्टरी एंड द वेन, बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन, आर्टरी एंड वेन के बीच में अब नॉर्मल कनेक्शन होगा. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आर्टरी के अंदर देर इज ए हाई प्रेशर माय डियर स्टूडेंट. क्या होता है? हाई प्रेशर. ये हाई प्रेशर से क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर ब्लड विल फ्लो इन टू द वेन, ब्लड विल फ्लो इन टू द वेन. तो ब्लड वेन के अंदर फ्लो हो जाएगा, तो जिसके वजह से क्या हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड. आर्टरी के अंदर ज्यादा प्रेशर था, वो ज्यादा प्रेशर से वेन के अंदर चला गया. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, आयट्रोजेनिक कब होता है? ये बनाते हैं हम लोग डायलिसिस के लिए, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए हम लोग बनाते हैं. यूजुअली ये होता है अपर लिम में, ये बनाते हैं हम लोग अपर लिम में फॉर द डायलिसिस पर्पसेस के लिए. ठीक है, ओके. नाउ एनीवेयर इफ देयर इज ए एवी फिस्टुला, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर? नाउ थिंक अबाउट दिस. एक आर्टरी था, ठीक है, एक वेन. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एक फिस्टुला हो गया. ये फिस्टुला हो गया एंड आर्टरी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि धना धन करके ब्लड विल बी फ्लोइंग विद ए वेरी फास्ट एंड वेरी हाई प्रेशर. ब्लड विल बी फ्लोइंग इनटू द वेन, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? देयर विल बी स्वेलिंग. बट ये स्वेलिंग क्या कैरेक्टरिस्टिक में होता है? थिंक अबाउट दिस यार, ब्लड आर्टरी के अंदर ब्लड नॉर्मली कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है कि पल्सटाइल फ्लो होता है? पल्सटाइल स्वेलिंग, देयर विल बी पल्सटाइल स्वेलिंग. व्हाट इज दैट? पल्सटाइल स्वेलिंग. ठीक है, पल्सटाइल स्वेलिंग होगा. स्वेलिंग के अलावा माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर पल्स रेट भी आप लोग नाप सकते हो. पल्स रेट कैन बी प्रेजेंट बिकॉज पल्स कंडक्ट हो रहा है इन टू द वेन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, नाउ वॉट happened, arterial blood, a large quantity of arterial blood is present in one particular location, be it upper limb, be it lower limb, कोई भी जगह में ज्यादा quantity में blood flow हो गया, that might lead to limb hypertrophy हो जाएगा because of excessive blood supply. ठीक है, now listen to me very carefully my dear students. तो इसके अंदर for example एक clinical sign दिखता है that is only called as Nicolaides sign. क्या बोलते हो? Nicolaides sign. What is that? Nicolaides sign. So Nicolaides sign होता क्या है? Nicolaides sign क्या होता है? अगर आप लोगों ने feeding vessel को press कर दिया, कौन है? फीडिंग वेसल को बंद कर दिया. फीडिंग वेसल मतलब कौन है? आर्टरी को. आर्टरी के ऊपर अगर आप प्रेशर डाल दिया, तो फीडिंग वेसल इफ इट इज प्रेस्ड आपने क्या कर दिया? प्रेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो क्या होगा? कम हो जाएगा. ब्लड फ्लो कम होने की वजह से डिक्रीज ऑफ द स्वेलिंग कम हो जाएगी. ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिक्रीज ऑफ द पल्सेशन, देर विल बी डिक्रीज ऑफ द पल्सेशन. तो बेसिकली सारे क्लिनिकल फीचर जो भी था एवी फिस्टुला का, वो सारे फिस्टुला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा. इसी को बोलते हो निकोलाइड्स साइन. तो अभी आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन, माई डियर स्टूडेंट, ये फिस्टुला कहाँ पे है? बिटवीन मसल्स एंड बोन्स एक्सेट्रा. मतलब वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एक अपर लिम में है, तो मसल्स के बीच हो सकती है ना. तो आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी MR फिस्टुलोग्राम करोगे. एंड देयर ट्रीटमेंट विल बी व्हाट? ट्रीटमेंट विल बी सर्जिकल ट्रीटमेंट. ये सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करोगे? बेसिकली ये क्या था? एक अबनॉर्मल कनेक्शन ही तो बना था ना. एक आर्टरी है ना, आर्टरी है, आर्टरी से एक फिस्टुला बन गया. फिस्टुला कहां जा रहा था? फिस्टुला कहां जा रहा था? इनटू द वेन. दैट्स इट, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है? ये फिस्टुला को बंद करना है. सो वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक. व्हाट इज दैट? थेरेप्यूटिक एंजियोएम्बोलाइजेशन. सो थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन इज नथिंग बट वी आर पुटिंग सम कॉइल आर सम एक्स्ट्रा फॉरिन मटेरियल एंड क्लोजिंग दिस दैट इज ओनली कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन. तो यू माइट आस्क मी, सर व्हाई कांट वी जस्ट कट इट? यार कट करके वैस्कुलर रिपेयर करना, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड ब्लड लॉस एक्स्ट्रा हो सकता है. उसको अवॉइड करने के लिए बेटर आइडिया है ना हमारे पास थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन. तो थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन कर दो. थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन के अंदर क्या यूज होता है? इवन फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन के अंदर. वन ऑफ द मटेरियल
we can use one thing that is only called as a human dura mater. Human dura mater को use कर सकते हो, human dura mater को use कर सकते हो in the therapeutic embolization. So this is the story of your, what is that? Story of your complete arterial disorders with ABPI. तो आप लोगों को दो picture दिखाना चाहता हूँ. Let's look at those pictures before we finish our lecture related to the arteries, right? तो my dear students, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे he is measuring what is that? He is measuring the blood pressure in the ankle. ब्लड प्रेशर इन द एंकल. ये ब्लड प्रेशर इन द एंकल कब मेजर करोगे? फॉर द यूसेज ऑफ एबीपीआई के लिए. एबीपीआई के लिए डायरेक्टली ये पिक्चर देगा. इसके अंदर क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं ये पूछ सकता है. और इन दिस टेक्निक का पेशेंट डेवलप्ड ABPI, the value was 1.8, of course, बहुत ज्यादा हो गया. It can be associated with the which of the following? Any hardening of the blood vessel or associated with the diabetes mellitus. Simple as that. यह हम पे देखते हैं. This is only called as Fogarty catheter. Fogarty catheter vascular surgery में यूज करते हो. ये Fogarty catheter का टिप में अगर देखा जाएगा, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, टिप के अंदर एक बलून होती है. That is only your Fogarty catheter. And Fogarty catheter is not some small length catheter, it is a long one because it is used inside the blood vessel. So blood vessel बहुत लंबे होते हैं, उस हिसाब से length चाहिए पड़ेगा. That is why we are going to use Fogarty catheter, my dear students. So this is the story of your arterial surgical disorders. Very important ones. Done.